लो देखिए ये लोग सुबह सुबह मस्ती कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। अच्छा तो गुड मॉर्निंग बोलो भैया, बोलो इधर बोलो गुड मॉर्निंग। क्या कर रही है छोटू बता दो, छोटू क्या कर रहा है? घोड़ा घोड़ा कर रहा है। अभी लोग का मस्ती चल रहा है गाइस, और अब हम लोग चलते बनाते हैं ना अंडा ब्रेड, आओ है ना अंडा ब्रेड, तो अभी चलते हैं। आज बाल धो लिए गाइस, यहाँ पानी इतना ही होता है ना, तो अभी बाल धो लिए हैं और अब जा रहे हैं अंडा ब्रेड बनाने। तो चलिए कहाँ है ब्रेड, हाँ तो पहले बनाते हैं जितना जरूरत। तो देखिए गाइस आज हम लोग अंडा ब्रेड बना रहे हैं नाश्ता में। कभी लोग नाश्ता नहीं किए क्योंकि यहाँ पे टाइम टेबल चेंज हो जा रहा है वेलूर में, तो इसीलिए अभी नाश्ता बन रहा है। बच्चा लोग भी नाश्ता कर रहा है, बच्चा लोग नहाया भी नहीं है, अब हो जाएगा तो उन लोग नहाएगा। और साथ में आज हम बनाने वाले हैं मछली का माथा, वो आपको दिखाएंगे कि साफ सुथरा कर देंगे उसको। तो आज हम बनाने वाले हैं मछली का माथा दाल, लेकिन बेलूर में हुई बना, कोलकाता में तो हमेशा बनाते रहते हैं पर यहाँ बनाएंगे वो भी कढ़ाई में, क्योंकि कुकर को तो है नहीं, तो इसमें बनाएंगे। और साथ में आप सबको बाजार भी दिखाएंगे, बट नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबको बाजार सब्जी बाजार दिखाएंगे, यहाँ का देखते हैं सब्जी बाजार कैसा है, कितना महंगा है तो पूछा जाएगा, तो वो भी ब्लॉग आपको मिलेगा। और मैं कोशिश करूँगी कि भेलूर का धीरे धीरे जो भी है बाजार हो चाहे है मंदिर हो, कोशिश करेंगे कि आप सबको दिखाएं। तो बस आप सबको अच्छा अच्छा ब्लॉग चाहिए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम अच्छे अच्छे आप सबके और भी ब्लॉग लाएंगे। अब वो लोग बस ये है, टीका लगा देते बड़ा से पूरा मतलब वाला दादी ओड़ा पोड़ा कर दे अभी क्या ना, तो बच्चा को डांट रहा था और उसका हिंदी में ट्रांजिशन कर रहा एकदम करेक्ट करेक्ट बोला जो हम बोलो आइडिया लगा इसमें तुम क्या बोलेगा हाँ एकदम करेक्ट करेक्ट बोला बच्चों ना। बोल। देखिए कितना बड़ा बड़ा मछली है बेलूर में, ये देखिए ये पूरा 70 हम मछली का माथा बना रहे हैं। तो हम लोग के बंगाल में तो केजी के हिसाब से मिलता है और यहाँ पीस के हिसाब से मिलता है, तो यह इतना सारा 80 रुपये में लेकर आए हैं। दो मछली का माथा, दो मछली का माथा है वो साइज आपको बहुत बड़ा साइज दिखाएंगे आपको, दिखाएंगे आपको। क्या मछली देगी, कहाँ देगी मछली, कहाँ से तुम ही तो ये करके आए, माथा माथा कहाँ निकालेगी गंदा। और गाइस इसको भी देखिए, ये काम करने के ये हमेशा एक्साइटमेंट रहता है, देखिए वो उसको मम्मी काम कर रही है इसलिए वो गुस्सा हो रहा है। तो अभी हम इसको साफ सुथरा कर दे रहे हैं, तो ये बेटा है कि हर जगह हेल्प करने पहुंच जाता है, और आप तो बाकी सब वीडियो में आपको देख ही रहे होंगे कैसे हेल्प करता है दिन भर। तो अभी हम लोग कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं है, छुट्टी है इसलिए सब कर रहे हैं।
जिस दिन अपॉइंटमेंट रहेगा उस दिन खिचड़ी या तो माड़वाद कुछ बनेगा ऐसी, बट क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है ना हॉस्पिटल में जाने से, बहुत टाइम लग जाता है, सुबह भी जाने से भी बहुत लेट होता है क्योंकि यहाँ CMC हॉस्पिटल में बहुत भीड़ रहता है और इलाज होता है ना अच्छा अच्छा ही, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे इलाज कराने के लिए, ज़्यादातर बांग्लादेशी लोग आते हैं और वेस्ट बंगाल के लोग आते हैं, क्या दूर रुको ना, तो ज़्यादातर वहीं के लोग आते हैं। तो आज आप सबको देखने को मिलेगा कैसे मैं बना रही हूँ यहाँ पे कढ़ाई में मछली का माथा, तो फिर वेट कीजिए अभी तो मैं साफ सुथरा कर ले रही हूँ। और अभी हम मूंग दाल फ्राई करें क्योंकि हम बनाएंगे मछली का माथा दाल बंगाली स्टाइल, तो इसीलिए हम अभी मूंग दाल को फ्राई करके निकाल दे रहे हैं, उसके बाद मछली को फ्राई कर लेंगे। तो आज मछली का माथा दाल और भात बनाएंगे। ये नहीं निकालो, हम अपने आप को बचने के लिए क्या कर रहे हैं, हमको डर लगता है इसलिए हम कवच लेके तैयार रहे, कपड़ा फेस तो ठीक रहे। तो किसको किसको खाने आ रहा है बेलूर में, वो भी मछली का माथा खाने, तो बस पेट दो दिन पकड़ेगा तब तक ये खराब हो जाएगा, जब तक यहाँ आएगा बस हो गया। और माथा फ्राई हो गया है तो अभी प्याज सूखा मिर्चा तेज पत्ता ये सब डाल के अभी इसको भूज रहे। और ये देखिए मछली का माथा तैयार हो गया है दाल, और साथ में भात भी रेडी हो गया है, दोनों चीज बिल्कुल रेडी हो गया, बच्चे लोग को दे दे रहे कि उन लोग को भूख लगा हुआ है, ये सब बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है गाइस, तो अभी बेटा लोग को दे देते हैं। आप कैसे बनाए क्या? अब क्या दिखाएंगे? रेडी हो गए हाँ, तो अभी टीवी गाना सब चल रहा, थोड़ी बोलने जाएंगे, ये मेरा दादी बेटी गया था। हाँ मच्छी का माथा और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बैठ गए हैं खाने के लिए मछली का माथा और दाल, तो अब हम बाद में मिलते हैं। तो आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।